अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारनक सिद्वा। आज के इस एपिसोड में हम आपको स्पेगेटी पाए बनाना सिखाएंगे यूजिंग कीमा। बीफ का ले लें, चिकन का ले लें, मटन का ले लें। यहाँ मैंने पानी बॉईल करने रख दिया है, इसमें हम सबसे पहले ये स्पेगेटी डाल देंगे। हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और तेल, ताकि ये चिपके ना। ठीक है, इसको आप पकने के लिए छोड़ दीजिए। और फिर वील कम टू आवर फर्स्ट रेसिपी, जो कि है माल्टेड चॉकलेट कुकीज़। माल्टेड मिल्क पाउडर होता है जो हम दूध में डाल के बच्चों को देते हैं पीने के लिए, उसके साथ हम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ मेरे पास है 4 ounce मक्खन। ओके जी, सबसे पहले मक्खन को बीट कर लेते हैं। उसमें हम ब्राउन शुगर डाल देते हैं, उसमें एक अदद अंडा जाएगा। फिर ये माल्टेड मिल्क पाउडर जाएगा, कोई से भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं माल्टेड मिल्क पाउडर। ठीक है, फिर हम इसमें मैदा शामिल करेंगे, कोको पाउडर जाएगा और चॉकलेट चिप्स, दूध थोड़ा सा। पहले मिक्स एवरीथिंग। स्पेगेटी को भी ज़रा देख लेते हैं, ऑलमोस्ट डन। अब मैं यहाँ ट्रे रख देती हूँ जिसके ऊपर सिलिकॉन के मैट्स हैं, आप बेकिंग पेपर हो उसके ऊपर रख के कर दीजिएगा, हाउएवर यू वांट टू डू इट। ओके, ये हमारा का बैटर रेडी हो गया। माल्टेड चॉकलेट कुकीज़, मक्खन, ब्राउन शुगर, कोको पाउडर, मैदा, अंडा और माल्टेड मिल्क पाउडर, चॉकलेट चिप्स। स्पेगेटी का मैं चूल्हा बंद कर दूं, फिर मैं उसको ड्रेन कर दूंगी। चलिए जी, इसको अब हम हायर के बिल्टन ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। इसमें टाइमर है, फिर ये डिफरेंट टेम्परेचर्स आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो है, इसके स्पेशल फीचर्स जो हैं, जिसमें ग्रिल के साथ है, फिर फ़ैन के साथ है, प्लेन है, नीचे का सिर्फ ग्रिल है, नीचे का सिर्फ ओवन है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और इतना क्लियर कांच है, आपको आसानी से सब कुछ नज़र आ रहा होता है, लाइट भी इसमें है। और इसी तरह आप भी अगर ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा सा बिल्ट इन ओवन अपने किचन के लिए, सो हायर इज़ द नेम। अच्छा जी, क्लीन अप हम बाद में करेंगे। ये जो है मेरे पास यहाँ स्पेगेटी जो बॉयल हो गई है, देखें ये। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें स्पेगेटी पाए बनाना है। अब उसके लिए मेरे पास यहाँ एक पाई प्लेट है, ठीक है। सो पूरी स्पेगेटी को हम यहाँ नीचे बिछा देंगे, उसके ऊपर हम ये कीमा वगैरह डालेंगे, तो हम उसको पकाना अब शुरू कर देते हैं। पहले तेल डालिएगा,
उसमें प्याज डाल के इसको अच्छी तरह आप पका लीजिए। टमाटर इसमें जाएगा, टमाटो पेस्ट है, अंडे हैं, शिमला मिर्च है, ओरिगैनो है, मक्खन है, चीज़ है, लहसुन है और नमक है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है कॉटेज चीज़। अब कॉटेज चीज़ को आप या खुरच दीजिए या इस तरह आप इसके क्यूब्स काट दीजिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें प्याज शामिल करके अच्छी तरह इसको सॉटे कर लीजिए। ब्राउन हमें नहीं करना है। फिर इसमें हम बीफ या मटन का कीमा डालेंगे, शिमला मिर्च है और लहसुन है। प्याज सॉटे होने दीजिए, ये लहसुन, और कीमा, ओके जी। अब मैं इसको सॉटे कर रही हूँ और चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। तेल में हमने प्याज भून लिया था, उसमें हमने कीमा डाला है, लहसुन डाला है। अच्छी तरह जब कीमा हो जाए तो आप इसमें टमेटोज डालिएगा चॉप करके, टमाटो का पेस्ट है वो डालिएगा, और जो स्पगेटी हमने बॉईल की थी उसको छान लिया है। अच्छा जी, इसमें फिर हम डालेंगे नमक और बहुत थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा ओरिगैनो जाएगा, दूसरा हम ऊपर से डालेंगे, और फिर हम इसमें इसको यहाँ कर देते हैं। फिर हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। अच्छी तरह भून लीजिए और बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा ताकि कीमा जल्दी से हो जाए। अच्छा जी, मक्खन और चीज़ और अंडे हमें मिक्स करने हैं स्पगेटी में। स्पगेटी को बॉईल करके अच्छी तरह छान लीजिएगा। पाई का बेस हमें बनाना है, ओके। सो ये मक्खन जाएगा इसमें, चीज है, और दो अदद अंडे हैं। कुकीज़ यहाँ ऑलमोस्ट डन है, मुझे बस याद दिलाइएगा, मैं निकाल दूंगी उनको। सो नाउ यू टेक योर स्पगेटी, इसका एक क्रस्ट बना दीजिए। आप चाहें तो पामेजान चीज़ डाल सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। और ये जो कॉटेज चीज़ है ये पूरा यहाँ जाएगा, को आप स्प्रेड कर दीजिए। फिर कीमा, टोमेटो पेस्ट, टमेटोज, शिमला मिर्च जब अच्छी तरह पक जाए, कीमा मैंने बहुत अच्छी तरह भून लिया था, ठीक है, तब आप इसमें ये रख दीजिए। ओ
ओके जी, अब हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ चीज़ के स्लाइसेस हैं, ये आप रख दीजिए ऑन टॉप। कुकीज़ हमारे हो गए हैं, बहुत खुशबू अच्छी सी आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसके ऊपर ओरिगैनो छिड़क दीजिए और फायर का बिल्टन ओवन बंद कर देते हैं। ये देखें कितनी अच्छी फैल गई हैं। देखा आपने, जाली पे हमें इसको ठंडा करना है। ओके, नाउ हायर का बिल्ट इन माइक्रोवेव ओवन हम यूज़ करते जा रहे हैं और बनाएंगे हम इसमें चीज़ पिघलाएंगे। ये माइक्रोवेव ग्रिल का कॉम्बिनेशन है, ये पावर है 50 पे मैंने किया है। अब हम टाइम सेट करेंगे से 2 मिनट्स, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ से कुकीज़ को उठा के मुझे ठंडा करना है। ये मज़े के कलर आ गया इसका, मॉल्टेड चॉकलेट कुकीज़ है हमारे। हमेशा थोड़ी देर के लिए पहले जाली पे ठंडा करते हैं, फिर किसी बॉक्स में या एयरटाइट जार में रखते हैं, ठीक है। पिघले हुए चॉकलेट चिप्स मुंह में आएंगे और कोको पाउडर है, ब्राउन शुगर है और इसके साथ साथ मॉल्टेड मिल्क पाउडर जो मैंने डाला था, जो हम बच्चों को देते हैं दूध में डाल के, वो वाले पाउडर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये भी हो गया है, इसको हम करेंगे ठंडा पहले और फिर हम किसी प्लेटर पे रखेंगे। मीनवाइल हमारा स्पगेटी पाए भी यहाँ हो रहा है, बहुत ही आसान था। स्पगेटी पहले बॉईल कर दीजिएगा पानी में, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालिएगा, तेल डालिएगा और फिर उसको छान लीजिएगा। फिर एक पाए प्लेट में आप उसमें नीचे रख दीजिएगा, उसमें आप चीज़ डालिएगा, अंडे डालिएगा और मक्खन डालिएगा, अच्छी तरह उसको मिक्स करिएगा। उसके बाद उसका एक क्रस्ट सा बना दीजिएगा। फिर आप एक पैन में तेल में प्याज डाल के उसको सुनहरा कर दीजिएगा, उसमें लहसुन डालिएगा, बीफ या चिकन का या मटन का कीमा डालिएगा, मैंने बीफ का यूज़ किया है, अच्छी तरह भून के उसमें फिर शिमला मिर्च डाल दीजिएगा, टमाटर, चीनी, नमक, ओरिगैनो और टमाटो पेस्ट डाल के थोड़ा सा पानी डाल के बीफ के कीमे को पका लीजिएगा। वो जब हो जाए तो कॉटेज चीज़ के पनीर के टुकड़े काट लीजिएगा, क्यूब्स काट लीजिएगा, उस स्पगेटी के मिक्सचर के ऊपर वो क्यूब्स पनीर के डाल दीजिएगा और फिर उसके ऊपर वो कीमा पूरा मिक्सचर स्प्रेड कर दीजिएगा। फिर उसके ऊपर आप मोज़रेला या चेडर चीज़ के स्लाइसेस डाल के आप इसको रख दीजिए इन योर हायर बिल्ट इन माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। ओके नाज़रीन, तो हम ऐसे करते हैं, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप देखते रहिए हमारा शो हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग ऑन मसाला टीवी। ओके जी, तो हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। आर कुकीज़ आर कोल्ड नाउ, मैंने जाली पे ठंडा किया था। ये जाली भी बाय द वे हायर के बिल्ट इन ओवन के साथ आपको मिलती है, ठीक है। और फिर मैंने प्लेटर पे कुकीज़ रख दिए हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड आर स्पगेटी पाइज ऑल्सो ऑलमोस्ट डन, आप देख सकते हैं हायर के बिल्ट इन माइक्रोवेव ओवन में। बस जैसे ही ये हो जाएगा तो उसको भी निकाल के रख देंगे। आई होप आपने आज की दोनों रेसिपीज़ नोट की होंगी, आप बनाएंगे ज़रूर और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओ वाओ, ये तो हो गया है, चीज़ भी पिघल चुका है। मैं रेसिपी रिकैप की तरफ चलती हूँ, आप देखते रहिए हमारा शो। माल्टेड चॉकलेट कुकीज़, अज्जा, मक्खन 4 ounce, ब्राउन शुगर 2 ounce, अंडा 1 अदद, मैदा 1 कप, कोको पाउडर 4 खाने के चमचे, माल्टेड मिल्क पाउडर 1/4 कप, चॉकलेट चिप्स 3 ounce। तरकीब, एक बोल में मक्खन और चीनी फेंट लें। अब इसमें अंडा, मैदा, कोको और माल्टेड पाउडर डाल के मिक्स करें। फिर इसमें चॉकलेट चिप्स फोल्ड करें, उसके बाद इसकी बॉल्स बनाएं और कुकीज़ की शक्ल देके 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में 15 मिनट बेक करके सर्व कर दें।
स्पैगेटी पाए अज्जा स्पैगेटी एक पैकेट मक्खन दो खाने के चमचे कद्दूकस चीज़ एक तिहाई कप कटे हुए अंडे दो अदद बकरे गाय का कीमा आधा किलो कटी प्याज एक अदद कटी शिमला मिर्च एक अदद लहसुन का कुचला जवा एक अदद कटे टमाटर एक कप टमाटो पेस्ट एक कप चीनी एक चाय का चमचा ड्राइड ओरिगानो एक चाय का चमचा कॉटेज चीज़ एक कप मोज़रेला चीज़ रेशा आधा कप। तरकीब स्पैगेटी को पकाकर छान लें फिर इसमें मक्खन और कद्दूकस चीज़ और फटे हुए अंडे मिलाकर स्पैगेटी गर्म होने तक फेंटें। अब स्पैगेटी वाले आमेजे को 10 इंच की पाई प्लेट में रखें फिर एक पैन में बकरे गाय का कीमा कटी प्याज और लहसुन का कुचला जवा शामिल करके पकाएं फिर इसमें कटे टमाटर टोमेटो पेस्ट चीनी और ड्राइड ओरिगानो शामिल करके पकाएं। अब स्पैगेटी के ऊपर एक कप कॉटेज चीज़ और फिर बीफ और टमाटर वाला आमेजा डाल के ओवन में 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें फिर इसके ऊपर रेशा की हुई मोज़रेला चीज़ छिड़क कर 5 मिनट तक या चीज़ पिघलने तक बेक कर लें। तो यकीनन आपने दोनों यमी रेसिपीज़ आज की नोट कर दी होंगी। आई होप आप बनाएंगे ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। स्पगेटी पाए ज़रूर ट्राई करिएगा, इसके बेस में भी स्पगेटी के साथ चीज़ है, ऊपर भी चीज़ है, अंदर भी हमने कॉटेज चीज़ डाला है। सो डेफिनेटली ट्राई आउट दिस रेसिपी एट होम। और ये जो माल्टेड चॉकलेट कुकीज़ है ना, ये तो मेरे फेवरेट हैं और दूध के एक ठंडे से दूध के ग्लास के साथ आप इसको सर्व करिए। तो चलिए जी, इसी तरह एक और एपिसोड में मेरी और आपकी मुलाकात होगी। तो देखना मत भूलिएगा हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारनक सिद्वा। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।